फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। फाइनली दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी ने सीएपीएफ का एग्जामिनेशन जो है अनाउंस कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है और फॉर्म अप्लाई करने जो है शुरू हो चुके हैं। आपका फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 20 मई 2019 है। उसके बाद आप जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जितना जल्दी उसका अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में और बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी होगी दोस्तों। आप खुद उस स्ट्रेटेजी को महसूस कर पाओगे, कोई भी इसमें हाइपोथेटिकल बात नहीं की जाएगी इस वीडियो में, ठीक है। हर एक चीज़ जो पॉसिबल हो सकती है 100 डेज के अंदर, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे आप जो है, देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आपकी कट ऑफ कितने मार्क्स पे जाती है, ठीक है। जो अब तक का ट्रेंड रहा है, आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ जो है 124 मार्क्स पे वो गई है, 123 पॉइंट कुछ पे गई है, तो आप इसे 124 मार्क्स जो है मान सकते हो, ठीक है। और ये गई थी आपकी 2017 एग्जामिनेशन में। जैसा कि आपको पता है, 2018 में जो है 398 वैकेंसीज जो हैं इस बार थी, तो आपकी जो कट ऑफ है डेफिनेटली वो 105 से लेके 115 मार्क्स तक जो है आपकी रहने वाली है, ठीक है। फिर भी मैं ये लगा के चल रहा हूँ कि आपका फिर भी कितनी भी जो है वैकेंसी कम आ जाए, लेकिन कट ऑफ जो है आपकी 115 से 125 तक ही रहेगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, इस बार 323 वैकेंसीज हैं, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है तो 120 के नीचे नीचे ही कट ऑफ आपकी जो है 2019 में भी रहेगी, ठीक है। क्योंकि पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट होंगे आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट 125 मार्क्स से ज़्यादा लाने का, ठीक है। तो अगर मैं 125 मार्क्स की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं, ठीक है। तो आपको टारगेट लेके चलना है, आपको 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 125 में से, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल टारगेट है, अचीव हो सकता है 4 महीने में, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। तो सबसे पहली शर्त यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बीच में, इन 100 दिनों के बीच में अगर ये सोचते हैं कि चलो मैं एंजॉयमेंट कर लेता हूँ, पार्टी कर लेते, घूमने चला जाता हूँ, तो फिर देखिए, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप, सही में बता रहा हूँ, ठीक है। इन 100 दिनों को अपने आप को दीजिए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, सब कुछ पॉसिबल, कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है, और कितना कितना टाइम उनको डिवोट करना है और कितने टाइम में, प्रैक्टिकल टाइम में वो चीज़ें कवर हो सकती है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन कौन से जिनके ऊपर आपको फोकस करना है और कितने कितने क्वेश्चन या कितने कितने मार्क्स का जो है वहाँ से आपका पेपर आता है। सबसे पहले मैं पॉलिटी की बात करूँगा। देखिए, पॉलिटी में आपके डिपेंड करता है ईयर टू ईयर 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आते हैं, यानी 40 मार्क्स का जो है आपका पॉलिटी का सेक्शन आता है, ठीक है। तो 250 में से आपका 40 मार्क्स का जो है पॉलिटी के सेक्शन से आपका कवर होता है, ठीक है। देन आपका ज्योग्राफी की अगर बात करूँ, तो 18 से 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं, डिपेंड करता है। 2016 का जो पेपर था उसमें 18 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2017 वाले में शायद 16 क्वेश्चन आए हों, 2018 में भी शायद 16 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आप ये लगा के चलो 18 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। 2000 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है, जिसमें मेजर एम्फेसिस आपका जो रहता है एंशेंट से आपके ऑलमोस्ट 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आते हैं, मेडाइवल से जो है आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो मॉडर्न इंडिया है वहाँ से ले आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास जो है इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो आपके 20 से लेकर 22 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। 2018 एग्जामिनेशन में आपके जो है 21 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस सेक्शन से केवल। तो आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे के सारे, ठीक है। एनवायरनमेंट की अगर बात करूँ, तो वहाँ से 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 2016 के बाद से जो है एनवायरनमेंट का सेक्शन पूछा जाने लगा है। 2017 और 2018 में इन दोनों ईयर जो है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आए, उससे पहले एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ, तो 10 से लेकर 14 मार्क्स का जो है इकोनॉमिक सेक्शन से आता है। मैथ और रीजनिंग की बात अगर मैं करूँ, तो 40 से लेकर 50 मार्क्स तक, यानी आपका इसमें 15 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं, ठीक है। तो 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपके बेसिकली इसमें आते हैं, और 20-25 क्वेश्चन में से दोस्तों एक चीज़ का मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, 10 से लेकर 12-13 क्वेश्चन तक, ठीक है, 10 से 13 क्वेश्चन तक हर एक बंदा इनमें से कर लेता है। इसमें किसी तरह के आपको स्पेशल मैथ कोई करने की जरूरत नहीं है, 10 से लेकर 13-14 क्वेश्चन आप आसानी से कर लो, इसमें कोई मुश्किल नहीं। और ये प्रैक्टिकल बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हो, बिल्कुल आसान है, 10 से 13 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। देन बात करूँ करंट अफेयर की, तो वहाँ से भी जो आपके 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आने की उम्मीद है पूरी पूरी, ठीक है। ये सेक्शन आपके इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे टॉपिक्स पे आपको जो है ध्यान देना है। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कीजिए, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि देखिए 4 महीने में इतना सारा सिलेबस करना विद पेपर टू और विद रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि जल्दी से आप चीज़ों का कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को इसलिए प्लीज़ आप एंड तक पूरा देखिए, इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम पेपर 1 की सिर्फ बात कर रहे हैं। रीज़न ये है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस 4 महीने की स्ट्रेटेजी को फॉलो मत कीजिए। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है। जो ऑलरेडी जो है कोई 5 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई सितंबर से तैयारी कर रहा है, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार चलिए जैसे आप ऑलरेडी चलते आए हो, ठीक है। अगर इस स्ट्रेटेजी में से आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसे आप कॉपी कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं, बाकी आप पुरानी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर टू आपको कब से शुरू करना है। पहला 1 महीना पेपर टू का कुछ भी आप मत छेड़ना, ठीक है। इसका रीज़न ये है, देखिए अगर आपकी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका पेपर टू चेक नहीं होगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों, ठीक है। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जो लोग अभी से तैयारी शुरू करेंगे मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए पूरा स्टडी प्लान बनाया है, पूरी वीडियो के एंड तक देखिए, पूरा आपको समझाऊंगा किस किस तरह, देखिए हर एक दिन क्या क्या आपको करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट आपकी जो है बुक्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी है या किस किस बुक से आपको पढ़ना है। आप PDF से पढ़िए या वो पढ़िए, डायरेक्ट बुक से पढ़िए, वो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। एक सिर्फ लक्ष्मीकांत बुक आपको परचेज करनी है, ठीक है, या फिर आप इसका PDF से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर पॉलिटी में 18 से 20 अगर क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली 18 में से 15 क्वेश्चन तो इसी बुक से आने हैं, ठीक है। तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो सबसे ज़्यादा इसी बुक का है, आपको सिर्फ ये एक बुक पढ़नी है, हालांकि थोड़ी सी मोटी बुक है लेकिन पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। और पेपर जिसको क्लियर करना है तो डेफिनेटली पढ़नी ही पड़ेगी, कोई एक्सक्यूज तो चलेगा नहीं इसमें, है ना। तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, अगर मैं बात करूँ तो ये 2 बुक आते हैं, 11th क्लास की हैं दोनों, NCERT की बुक ये, ठीक है। इन दोनों बुक्स को आपको पढ़ना है, बहुत छोटी छोटी बुक है। ये वाली बुक तो मात्र 80 पेजों की बुक है ये वाली, ठीक है। और ये वाली सारी है आई थिंक 140-160 पेजेस की ये वाली बुक है, ठीक है। इमेज वगैरह अगर हटा देंगे तो 130 पेजेस के अराउंड इसमें बनेंगे, और इसमें 70 पेजेस के अराउंड इस बुक में बने, ठीक है। ये 2 बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट आपका 90% सिलेबस इसी दोनों बुक से ही आता है। इसका पेपर स्ट्रेटेजी मैंने 2017 और 2018 की डाली हुई है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं किस पेज नंबर से मैंने पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी डाली है, सॉरी पूरा कंप्लीट पेपर का एनालिसिस डाला हुआ है YouTube पे, ठीक है। पेपर एनालिसिस बाय स्टडी फंडा, ठीक है, ये आपको सर्च करना है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे लिखना है CAPFAC, जोन से भी साल का आपको देखना है, ठीक है। जैसे 2017 का देखना है तो 2017 CAPFAC 2017 पेपर एनालिसिस बाय स्टडी फंडा, या फिर CAPFAC 2018 पेपर एनालिसिस बाय स्टडी फंडा, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 2 बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। इन बुक 2 बुक के अलावा मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि आप ये मेरी बात मानेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर मुझे माजिद हुसैन पढ़नी है, सर मुझे जीसी लियोंग पढ़नी है, मुझे महेश बरनवाल पढ़नी है। भाई लोग मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल आप मत पढ़िए, किसी भी चीज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों NCERT से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, खामखा आप टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा है कि हाँ मुझे पढ़ना है तो इन्हीं बुक को 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बुक को जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ इन्हीं 2 बुक को आप फॉलो कीजिए, अगर आपका सिलेबस जल्दी भी हो जाता है तो भी इनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है और इनसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तीसरा जो टॉपिक है आपका वो हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक NCERT पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक पढ़ना है स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है। हर एक अपना अलग अलग सोर्स बताता है, जो भी है मतलब हर एक जो भी वीडियोस वगैरह जो भी बनाते हैं YouTube पे सब अपने अलग अलग सोर्स बताएंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं कोई आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इसका भी एनालिसिस मैंने करके डाला हुआ है, आप दोबारा से भी बता रहा हूँ, CAPFAC 2017 पेपर एनालिसिस बाय स्टडी फंडा, CAPFAC 2018 पेपर एनालिसिस बाय स्टडी फंडा, आप जाके देख सकते हो। हिस्ट्री के इस बार जो है 16 क्वेश्चन आए थे, 16 में से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके विद स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट बिल्कुल इन तीनों बुकों से जो है आपके स्टेटमेंट उठाए गए थे। CDS 1 और CDS 2, CDS 2 2018 और CDS 1 2019, इन दोनों पेपर में भी जो है डायरेक्ट आपके हिस्ट्री न्यू NCERT से जो है क्वेश्चन उठाए गए थे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, पुरानी NCERT मत पढ़िए, क्योंकि अब अभी टाइम नहीं है। ये तीनों NCERT अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसमें 400 के अबाउट पेजेस मिलेंगे, लेकिन इमेज वगैरह अगर हटा दोगे और बॉक्स वगैरह आप हटाओगे तो इसमें 250 टू 280 पेजेस की जो है आपको पूरी बुक ये मिल जाएगी। और अगर आप इसे पढ़ोगे तो हफ्ते में आराम से जो है इन तीनों बुक को पढ़ सकते हो, 12 चैप्टर हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 बुक है आपको, ये तीनों पढ़नी है, इसके साथ स्पेक्ट्रम बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में भी सिलेक्टेड स्टडी करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे 1905 से लेकर 1947, ठीक है। इस पीरियड के ऊपर आपके 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं,
एक क्वेश्चन फिर आपका आएगा जितने भी आंदोलन हुए थे, जितने भी प्रेजेंट मोमेंट हुए थे उनके ऊपर आएगा, एक क्वेश्चन बुक के ऊपर आएगा किसने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन जितने भी आपके एक्ट आए थे, फॉर एग्जांपल पिट्स इंडिया एक्ट है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है कौन से जो है उसमें ये पोस्ट जो है क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको सिलेबस आप इसका कवर करेंगे। देन आप साइंस की अगर मैं बात करूँ, देखिए साइंस के आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा यहाँ पे। देखिए साइंस के आपको जो है 20 से 22 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है 20 से 22 क्वेश्चन में, ये मैं आपको प्रॉमिस करके कह रहा हूँ और ये बात सच है, आप देख लेना। बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी भी होंगी, जब आप 20 से 22 क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो तो आपको 20-22 में से सिर्फ 14 से 15 क्वेश्चन ही मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में दिए ही नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको, एग्जाम्पल दे के समझाऊँ, तो आपका 2018 का जो पेपर हुआ था अभी, ठीक है, 2018 के पेपर में दो तीन क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहे हैं करंट में, जो आपकी छठी से लेकर दसवीं के एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। जैसे आपका लेजर की फुल फॉर्म है, वो इन तीनों बुक्स में किसी में भी नहीं दी हुई, छठी से लेकर दसवीं तक में किसी में भी लेजर की फुल फॉर्म आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका ऑप्टिकल फाइबर वाला एक क्वेश्चन आया था इसमें 2018 एग्जामिनेशन में, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ये वाला क्वेश्चन जो है आपकी 12th क्लास के एनसीईआरटी 12th पता नहीं 11th क्लास का वे ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है आपका, उस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो इन तीन बुक्स को आप पढ़ोगे उसके बाद भी आपके जो है 12 से लेके 15 क्वेश्चन सोल्व होंगे 20-22 क्वेश्चन में से, ठीक है। दूसरा इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन, और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों, इन बुक्स को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 15 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि तीनों बुक के अगर पेज आप मिलाओगे तो एटलीस्ट इनके 700 पेजेस बनेंगे, आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें तीनों बुक में, और शायद इससे भी ज़्यादा बने, क्योंकि जो 10th क्लास की बुक है वो मोटी है थोड़ी सी, 10th और 9th क्लास की, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव हमारे पास है, आप ये आपको चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हो, ये हमने स्पेशल पीडीएफ आपके लिए तैयार किए थे। जैसा कि जो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है, फिजिक्स का पीडीएफ है हमारे 10 पेजेस का, उसमें हर एक चीज़ हमने कवर की है, फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें हैं छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन चीज़ों को जो है हमने कवर किया है। मैं आपको एक बार दिखा भी देना चाहता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए दोस्तों, ये वाला हमारा जो है बेसिकली फिजिक्स का पीडीएफ आपका रहेगा, ठीक है। फिजिक्स का पीडीएफ में हमने जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो मात्र 12 पेजेस में हमने कवर की है। अगर आप एनसीईआरटी, सबसे बड़ी बात जो है इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, इनमें हमने सारे टॉपिक वो मेंशन किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर, ये क्वेश्चन आपका 2017 सीएपीएफ में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी वो सब हमने इस पीडीएफ में मेंशन किया आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए हाइग्रोमीटर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये रहा यहाँ पे हाइग्रोमीटर। उसके बाद आपका और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए थे आपके पिछले सीएपीएफ एग्जामिनेशन में, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए सब्लिमेशन का क्वेश्चन आया था 2017 में, कि जब सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर स्टेट में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है जब लिक्विड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, इमेज के द्वारा समझाया गया यहाँ पे। और CDS 2018 में जो है क्वेश्चन, CDS 2018 का क्वेश्चन है कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है, जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो प्रेशर कुकर में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इस तरह से है। उसके बाद ये टोटल जो है 12 पेजेस में हर एक टॉपिक हमने इसमें कवर किया है, लाइट का टॉपिक स्पेशल कवर किया है विद एप्लीकेशंस, ठीक है, ताकि लाइट के टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ, जैसे आप साइंस के एनसीईआरटी पढ़ते हो, लाइट का चैप्टर 8th क्लास में कोई सा मिलेगा आपको, 9th में कोई मिलेगा और 10th में कोई मिलेगा। पहली बात तो सारी की सारी चीज़ें एक ही पेज पे आपके यहाँ पे दी हुई हैं सारी की सारी, ठीक है, कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल कहाँ पे है उसका कहाँ पे, ये देखिए एप्लीकेशन तक भी इसमें दी हुई है, जैसे कॉनकेव मिरर जो है कहाँ कहाँ पे जो है यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेंटिस्ट जो है कौन से टाइप का मिरर जो है यूज़ करते हैं जो आपका टीथ होता है उसको इमेज को बड़ा करने के लिए, ठीक है, तो ये है। उसके बाद दो पेजेस में सारा का सारा आपका लाइट का यहाँ पे कवर किया है, ये देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि आपको पता है इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बताया गया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। तो स्पेशल हमने ये पूरा पीडीएफ सीएपीएफ एग्जामिनेशन के और सीडीएस एग्जामिनेशन के हिसाब से जो है डिज़ाइन किया है, ये आप देख सकते हैं टोटल 12 पेजेस में जो है ये पूरा का पूरा फिजिक्स का पीडीएफ आपका कवर रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में एक पेज भी दिया गया है, 11 पेजेस दोस्तों। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री भी 12 पेजेस में हमने कवर की है, ये आप देख सकते हैं।
विद इमेजेस इसमें सॉल्यूशंस डाले गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि देखिए बुक्स वगैरह में काफ़ी बार क्या होता है, जब आप नोट्स वगैरह किसी और चीज़ के रेफर करते हो, जैसे ड्राई आइस पूछा गया था 2017 में, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ड्राई आइस उसको बोलते हैं, ये भी इसमें लिखा गया है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगी, ठीक है, देखिए आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद आपका एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रास जो होता है, ब्रास में कंपोजिशन किस किस की होती है, कॉपर जिंक की होती है, कॉपर टिन की होती है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की, इस तरह से जो है ये भी पूछा गया था आपका 2017 एग्जामिनेशन में, ठीक है। साल्ट ब्लीचिंग पाउडर, ऑयल, मेटल, नॉन मेटल, देन आपका वाटर, सीमेंट, CAPF 2017 में पता नहीं कौन से ईयर में पूछा गया था, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर पे होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वाटर की डेंसिटी होती है। हैवी वाटर इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इट इज यूज एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था CAPF 2018 में, हैवी वाटर का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तौर पर किया जाता है, तो इसका आंसर है मॉडरेटर के तौर पर किया जाता है, ठीक है। फिर ग्लास वगैरह के बारे में है, टेम्परेचर के बारे में है, अलग अलग जितने भी लॉज हैं उसके बारे में बताया गया है सब कुछ, बाकी इसमें जो भी आपके हैं सारा चीज़ इसमें हमने कवर की है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये वाला 12 पेजेस में कवर है, देन आपकी बायोलॉजी के नोट्स हैं ये वाले 19 पेजेस में कवर है, इसमें भी हमने हर एक चीज़ कवर की है विद इमेजेस, आप देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत साइंस में तो एटलीस्ट नहीं आएगी हमारी तरफ से, इतनी अच्छी PDF हमने तैयार की है और बहुत टाइम लगा के जो है एक एक चीज़ इसमें जो है अपलोड की गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा PDF रहेगा, 19 पेजों का है विद इमेजेस, इसमें सब कुछ है। तो टोटल आपकी जो साइंस है हमारी तरफ से, अगर आप हमारा PDF फॉलो करते हैं, ठीक है, तो 40-44 पेजेस इतने उसमें है आपका, जिसमें से अगर आप वैसे जो ब्लैंक पेजेस निकाल दोगे तो 35 पेजेस के अराउंड जो है पूरी साइंस आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। ये नोट्स इस हिसाब से तैयार किए गए हैं, लास्ट में अगर आप जाके अगर इनको दो दिन में पढ़ोगे, तीन दिन, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का और एक दिन पूरा बायोलॉजी का, ठीक है, या फिर बायोलॉजी के दो दिन, चार दिन में आप पूरा कंप्लीट जो है साइंस आप पढ़ सकते हो विद रिवीजन, ठीक है। और NCERT अगर आप पढ़ोगे तो आपके यहाँ पे 15 दिन का टाइम एटलीस्ट लगेगा, तो देख लीजिए 11 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 11 दिन का टाइम आप पेपर बचा के पेपर 2 पे आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एनवायरमेंट सेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें से, ठीक है। तो आपके ये वाले नोट्स में हमने 15 पेज में कवर किए हैं। अगर बुक अगर आप पूछोगे तो शंकर IAS की बुक आती है, वो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उसमें 300+ पेजेस की बुक है और 5-6 क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको बेशक मत पढ़ना, ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहो तो हमारे नोट्स ये देख सकते हो, 15 पेज में इसमें कवर किए गए हैं, दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन CAPF 2017 के हैं, जितने भी ये पीले पीले जो मार्क हैं डायरेक्ट जो है ग्लोसरी से ही पूछे गए थे सिर्फ, ठीक है, सीधा। ये देखिए बायोमैग्निफिकेशन पूछा जा चुका है, इकोलॉजिकल नीश पूछा जा चुका है, यूट्रोफिकेशन पूछा जा चुका है, उसके बाद बायो एक्यूमुलेशन पूछा जा चुका है, ऑटेकोलॉजी पूछा जा चुका है आपसे, एसिड ड्रेन क्या होती है वो पूछा जा चुका है, उसके बाद आपका वन सेकेंड, हाँ जी, सिनेकोलॉजी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये सब आपसे पूछे जा चुके हैं। देन आपका फूड चेन वगैरह, फूड वेब, ये क्या क्या होती हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन जो है बेसिकली ये पूछे गए थे। अगर आप ये पूरा PDF पढ़ लेते हो 15 पेज का, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप इसी PDF से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 6-7 क्वेश्चन इसमें डाले हैं। उसके बाद ये देखिए इसमें आपका ये भी सब कुछ हमने इसमें कवर किया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह, इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, उसके बाद मैपिंग भी के भी इसमें डाले हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व डाला है, पोल्यूशन के बारे में डाला है, कहाँ कहाँ पे आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो डाले गए हैं, इंपॉर्टेंट मैप, अब क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है लेटेस्ट अभी 30 जनवरी 2019 को जो है आपकी एक रामसर साइट जो है ऐड हुई है, ठीक है, वो कौन सी हुई है, सुंदरबन वेटलैंड, ये भी हमने अपने PDF में जो है कवर किया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है टाइगर रिजर्व जितने हैं वो इसमें कवर हैं, नेशनल पार्क इसमें सारे कवर हैं, और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें सारी कवर हैं, ठीक है, और आपका एलिफेंट रिजर्व इसमें कवर है। तो ये सारे के सारे 15 पेजेस हैं, 4-5 पेजेस में तो मैप ही हो जाएंगे, तो हार्डली इसमें आपको 8-10 पेज पढ़ने, तो हार्डली 2 दिन में आप ये पढ़ सकते हो। मतलब आप साइंस और एनवायरनमेंट, जहाँ से आपके साइंस से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके 20 से 22 क्वेश्चन लगा लो, 5 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट से लगा लो, 27 क्वेश्चन यानी 54 मार्क्स, आपके कट ऑफ का 1/3, जितने मार्क्स आपको चाहिए उसका ऑलमोस्ट 1/3 जो है आपके डायरेक्ट यहीं से आ जाएंगे, ठीक है, इन दो टॉपिक से ही, और सिर्फ आपको इसमें लगाने हैं 4 और 2 6 और 1 7 दिन लगाने हैं, इसमें 7 दिन में आप जो है आपके 54 मार्क्स जो है तैयार हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत छोटी सी बुक है, 10 मार्क्स का जो है इस बुक से आपका पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का देखिए दोस्तों, यहाँ पे
अभी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पूरा आप जो है पीएचडी करने मत बैठना मैथ में, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मैथ में अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका मैथ में जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, जिनमें से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 15 क्वेश्चन सब कर देंगे, 10 से 15 क्वेश्चन तक, ठीक है। अगर आपको फिर भी करना ही है तो मेंसुरेशन आप कर सकते हैं, उसके बाद टाइम एंड वर्क आप कर सकते हैं। कुछ चैप्टर हैं टाइम एंड वर्क है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद आपका एवरेज का चैप्टर है वो आप कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सारे आप कर सकते हैं ताकि आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप हो जाए। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। कोई भी आप मैगजीन फॉलो कीजिए, मैं कोई पर्सनल मैगजीन आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, जो आपका मन करे, जो आपको सही लगे। विजन आई एस आप फॉलो कर सकते हो, आई एस बाबा फॉलो कर सकते हो, दृष्टि मैगजीन फॉलो कर सकते हो, या कोई और मैगजीन जो आपको सही लगे वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर जो है एक सोर्स अपना रखना, जितना भी आप उसको रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे कैसे जो है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आपको जो है कवर करने हैं। उसके बाद उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि 100 दिन में आप ये सारा कर भी लोगे या नहीं करोगे, ठीक है। मतलब ये सिलेबस कवर होने लायक है या नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तैयारी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला, आपको डेली 5 से 6 घंटे कम से कम पढ़ना है, देखिए, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो अभी भी 2-3 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा दोस्तों, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 5 घंटे तो आपको एटलीस्ट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वीकेंड पे जो है आपको टेस्ट अटैम्प्ट करना है। पेपर वन के टेस्ट आप पहले महीने में अटैम्प्ट करना शुरू कर दीजिए अपना, जैसे टॉपिक आपका खत्म हुआ टेस्ट आप दे सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज भी पूरी तैयार है पेपर वन के लिए, आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है आपको, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है। पीएचडी आप किसी में मत करने बैठना, पता लगे आपको एक टॉपिक के ऊपर आप कहीं मान लीजिए फंस गए हो तो उसी पे लगे हुए हो 10-15 दिन तक, ऐसा बिल्कुल मत करना। जल्दी जल्दी अपना सिलेबस करो और निकलो, आपको पेपर क्लियर करना है, कोई टीचर नहीं बनना है, ठीक है। तो सिर्फ अपना सिलेबस कवर करो, जो जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताए हैं वो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटी है, 15 दिन में आपको खत्म करनी है, और पैरेलल में चीज़ें चलेंगी दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ पॉलिटी पढ़नी है डेली तो ऐसा नहीं है, दो दो सब्जेक्ट आपको लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप पढ़ सकते हो, इन्हीं के बेस पे जो है आपको टेस्ट भी मिल जाएगा देने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, ठीक है। टेस्ट इसके बेस पे ये इसलिए मैंने बनाया है दोस्तों, क्योंकि देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अल्टरनेट है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर अल्टरनेटिव चैप्टर हैं। प्रेसिडेंट अगर आपको समझ में आ जाता है तो गवर्नर आप जो है सिर्फ 1-1.5 घंटे में सारा चैप्टर पढ़ देंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर को इसी ऑर्डर में पढ़िए जिस ऑर्डर में मैंने इसको लगाया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर में लगाया हुआ है देख के, तो आप इसके हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर, ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसके लिंक आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सारा का सारा जो है आपको हम दे देंगे, ठीक है। उसमें आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए सारा का सारा सिलेबस क्या क्या आपको फॉलो करना है, ठीक है। इस बार इनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेट आपका आएगा, आपको ध्यान रखना है कुछ भी आपका मिस ना हो जाए। लोकपाल और लोकायुक्ता के ऊपर जो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको आप पढ़ के जाना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है डेफिनेटली पढ़ के जाना, इन दो क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपका पॉलिटिकल पार्टी पढ़ के जाना है, आपको पता है इलेक्शन है इस बार तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्शन आपको पढ़ के जाना है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन, बाकी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो जो इसमें मार्क किए गए सारे आप पढ़ के जाओ, 15 दिन में कवर हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब इन चैप्टर को जब आप पढ़ लेते हो तो आपको एक अच्छा आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि आपके पास 4 टेस्ट हैं देने को, ठीक है। ये इसको मैंने सिलेबस को 4 उसमें कवर किया है, जैसे 1 सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, जैसे 1 से 11 चैप्टर जो ये वाला है, ये वाला एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाले सुप्रीम कोर्ट और ये वाले जो हैं ये एक टेस्ट में कवर किए गए, तो इस हिसाब से आपके 4 टेस्ट बनते हैं जिसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट नहीं भी अटैम्प्ट करते हो फिर, अगर कोई मान लीजिए बाई चांस 200 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इन्हीं चैप्टर के बेस पे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। मोर देन 200 है वैसे तो, लेकिन फिर भी 200 आप लगा के चलिए, ठीक है। ज्योग्राफी की बात अगर करूँ तो 15 दिन का टाइम है आपके पास ज्योग्राफी के पास लिए, फिजिकल ज्योग्राफी 11 दिन में कंप्लीट आपको करनी है, इंडियन ज्योग्राफी 4 दिन में कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके बेस पे भी हमारे पास 2 टेस्ट है, 70-70 क्वेश्चन दोनों टेस्टों में रहेंगे आपके, ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल आपको रहेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए 20 दिन का टाइम हम दे रहे हैं, थीम इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों बुक जो आपको 7 दिन में ख़त्म कर देनी हो जाएंगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद स्पेक्ट्रम की बुक के लिए मैं 13 दिन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप 13 दिन में इजीली कवर कर सकते हैं ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो। साइंस के लिए यहाँ पे हमने 15 दिन दिए हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 15 दिन साइंस के ऊपर वेस्ट करने हैं या फिर 4 दिन में आपको सारा सिलेबस करना है, जो कि आसानी से हो भी जाएगा। अब 15 दिन में आपका नुकसान क्या रहेगा, एक तो 15 दिन आपके वेस्ट होंगे, उसके बाद आपको टॉपिक एक जगह पर सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है।
जो नोट्स की कंपाइलेशन हमने तैयार की है वो स्पेशल आपके लिए ही की है, CAPF एग्जामिनेशन के लिए, वो आप देख सकते हो। ठीक है, 40 से 44 पेज में हमारे नोट्स सारे कवर हो जाएंगे। एनवायरनमेंट 3 दिन में आप कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर जो आपको करना है वो करना है आपको अक्टूबर से लेके जून 2019 तक का, कोई भी एक मैगजीन पकड़ लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करना है आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स के लिए जो है आप 6 दिन आप पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आप पढ़ सकते हैं 6 दिन, या फिर आप हमारे नोट्स फॉलो कर सकते हैं, 12 से 15 पेज के रहेंगे और ये आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, देन आगे मैं बात करूँ अगर, हाँ, तो ये डिटेल टाइम टेबल आपका ये रहेगा, ये आपको बिल्कुल साफ PDF मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, 27 तारीख से अपने तैयारी शुरू कीजिए आप। इसमें छोटा मोटा चेंज आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल ऑर्डर में लगाई हैं। ठीक है, 27 तारीख से आप तैयारी शुरू करेंगे बाई चांस। ठीक है, तो आप 14 तारीख तक पहला स्लॉट जो है आपका 18 दिन का रहेगा। 18 दिन में आप पॉलिटी खत्म कर दीजिए, 15 ही दिन दिए थे ऊपर मैंने, लेकिन यहाँ पे 18 दिन लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो 18 दिन आप ले सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी आपको 2 से 3 घंटे डेली पढ़नी है, और जो जो टॉपिक ऊपर लिखे हैं उन सबको कवर कर चलिए जितने मेंशन टॉपिक ऊपर। ठीक है, ज्योग्राफी दूसरे स्लॉट में पढ़िए 2 से 3 घंटे डेली। ठीक है, और 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये 2 बुक्स हैं, ये आपको कवर करनी है बेसिकली। ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का डेली 1 घंटा, मतलब आपको टोटल 5 घंटे पढ़ना है डेली पहले महीने में। ठीक है, या तो 5 से 6 घंटे, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ लीजिए, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, और 1 घंटा करंट अफेयर 1 घंटा डेली पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में आप अपना एडजस्ट कर लेना जैसे आपको लगे। ठीक है, 21 तारीख को आप जो है ऑफ ले सकते हैं, अगले महीने रिवीजन कर सकते हैं, उसमें खाली मत बैठना। 22 तारीख से 8 तारीख तक आप जो है हिस्ट्री फॉलो कर सकते हैं पूरी की पूरी, जो जो टॉपिक मैंने ऊपर बताए हैं आपको जरूर चीज़ें। साइंस के लिए NCERT कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे डेली दे सकते हैं यहाँ पे 15-18 दिन के लिए अगर आप चाहो तो। आपका टाइम ही 18 दिन का सारा कवर होकर 15 दिन में ही आ जाएगा। इसकी जगह आप मैथ को कर सकते हो, अगर आपको लगता है ना कि हमारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लेके आप जो है वो सब चीज़ें कवर कर सकते हो। जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर आपको इस महीने में कवर करना है। ठीक है, देन आपका 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो है 5 दिन में आपको एनवायरनमेंट के नोट खत्म करने और मैक्रो इकोनॉमिक्स के करने। ठीक है, अप्रैल का करंट अफेयर कर लेना। 15/6 से लेके 21/6 तक 7 दिन तक मैथ आप कवर कर लेना, बीच में अगर टाइम लगे तो साइंस वाले उसमें भी छेड़ लेना मैथ, और मई का जो है करंट अफेयर कवर कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। ठीक है, पेपर 2 जो है हमने 22 जून से शुरू करवाया है, 7 दिन का टाइम दिया है ग्रामर के लिए। ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की आएगी, तो ग्रामर आप 7 दिन में इजीली कवर कर सकते हो। कोई भी इंग्लिश की बुक ले लेना, उसमें जो भी जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कर देना, 7 दिन में इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको करनी है फिर राइटिंग, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब 1 घंटा मान लीजिए आप 2 घंटे डेली ग्रामर पढ़ते हैं, बाकी के 5 घंटे क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे और रिपोर्ट लिखना सीखेंगे। ठीक है, उसकी वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, 1 तारीख से लेके 15 जुलाई तक 15 दिन जो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, काउंटर आर्ग्यूमेंट की, कॉम्प्रीहेंशन की, और ऐसे रिपोर्ट की अगर आपकी बस्ती है तो वो, और करंट अफेयर पढ़ना है जून से 2019 का। ठीक है, देन आपका 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई 15 दिन आपको मिलेंगे पेपर 1 की रिवीजन इसमें करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है पेपर 2 के लिए, और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का करंट अफेयर करना है। इसके बाद का करंट अफेयर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन आपका 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक टेस्ट सीरीज आप अटैम्प्ट कीजिए, बीच में भी टेस्ट सीरीज आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात रहेगी। राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं 5/8/2019 तक, इसके बाद मत करना। ठीक है, उसके बाद फिर करंट अफेयर और रिवीजन करना साथ के साथ 15 दिन तक, लास्ट के 3 दिन आप रिवाइज करना और चिल करना लास्ट के दिन। 17 तारीख को आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जामिनेशन हॉल में कूल माइंड से जाइए। ठीक है, अब आपको अगर टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो ये 2 लिंक आपको मैंने दिए, एक टेस्ट सीरीज का परचेज लिंक है और स्टडी मटेरियल का परचेज लिंक है। ठीक है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है लिंक एक्टिवेट है ऑलरेडी, है इस पर क्लिक जब आप करेंगे तो आपका विंडो खुल जाएगी। हम जो है कूपन कोड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा टेस्ट सीरीज जो है कम प्राइस में मिले आपको। अभी करंटली टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है वो 1700 है। ठीक है, तो इसमें आप स्टडी फंडा का जब कूपन लगाएंगे तो ये 1500 का आपको पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कूपन अप्लाई कीजिए, वहाँ पे कूपन का ऑप्शन आता है स्टडी फंडा, वहाँ पे लिखिए तो आपकी टेस्ट सीरीज जो है 1500 में आपको पड़ जाएगी। ठीक है, और ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए रहेगा दोस्तों, तो जितना जल्दी उसके परचेज कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको टेस्ट सीरीज तो देनी पड़ेगी ना। उसके बाद आप स्टडी मटेरियल अगर बात करूँ तो पहले मैं स्टडी मटेरियल आपको दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल बेसिकली आपका पेपर 1 के लिए रहेगा सारा का सारा। ठीक है, पेपर 2 का इसमें कुछ भी कवर हम नहीं कर रहे हैं अभी। इसमें आपका ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको आप रहने दीजिए। यहाँ पे आपका नया PDF ये वाला अपलोड हो जाएगा 100 दिन की स्ट्रेटेजी वाला। ठीक है, एलिजिबिलिटी इस PDF से इस पेज से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 16 पेपर आपको मिल जाएंगे 2010 से 2016 तक के, बुक्स मिल जाएंगे यहाँ पे कौन कौन सी परचेज करनी है, इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। मिसलेनियस सेक्शन में हम छोटी छोटी चीज़ें आगे डालते रहेंगे। पेपर 1 में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जब ये देखेंगे तो यहाँ पे इमेजेस आपको मिल जाएंगी बहुत सारी,
जिसमें आपका इसमें इकोनॉमिक की इमेज है, इंग्लिश ऐसे की इमेजेस आपको मिलेंगी, मैथ वगैरह सब कुछ इसमें सारी इमेजेस इसमें रहेंगी, एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए इसमें कुछ बुक्स हमने डाली हैं, वो आप जाके जब परचेज करेंगे तो आप देख लेना। सब्जेक्ट वाइज हमने सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन किए हैं, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, डिफेंस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह आपके पेपर के टाइम पे जो है वो अपलोड कर देंगे हम। इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं दो PDF हैं, ठीक है। ये बजट का है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ये देख लेना, एक 10-15 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में ये वाला। इकोनॉमिक्स के बेसिक नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और जो 12-15 पेज के मैं बता रहा हूँ वो आपको बाद में अपलोड हम कर देंगे 10-15 दिन के अंदर। एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एनवायरनमेंट में आपके NCERT के बायोलॉजी के 4 चैप्टर जो बताते हैं सभी वो पढ़ने हैं ये वाला लास्ट के। उसके बाद अगर इनको आप छोड़ना चाहो तो ये PDF आप पढ़ लीजिए, ये मोर देन एनफ आपके लिए रहेगा, ठीक है। ये 15 पेज का PDF है जो मैंने आपको बताया था। ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में जो है यहाँ पे मैपिंग का वो रहेगा, इसमें मैपिंग जैसे आपकी बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह सारे इसमें हमने कवर किए हैं, नेशनल पार्क इसमें है, रिवर्स इसमें है, वर्ल्ड मैप इसमें, ठीक है। MCQ के लिए प्रैक्टिस के लिए बुक है, NCERT 6ठी से 12वीं की है तो आपको सिर्फ 11वीं क्लास की पढ़नी है। रिविजन के लिए इसमें नोट्स डाले गए हैं वो आप देख सकते हैं बाद में, ठीक है। देन आपका हिस्ट्री की अगर बात करूँ, हिस्ट्री में जैसे आपकी 3 ये टाइमलाइन वगैरह की हैं, ये आप देख लेना जब फ्री हो कभी भी। NCERT थीम इन हिस्ट्री ये वाली है, नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रम की बुक इसमें मिलेगी और MCQ प्रैक्टिस बुक इसमें मिल जाएगी, ठीक है। देन आपका इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपका अभी जो है इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह हम इसी में कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपकी जितने भी उनके हेडक्वार्टर कब बने थे वो सब इसमें दिया हुआ है। देन अगर बात करूँ तो मैप्स वगैरह इसमें हैं सारे के सारे, आपका मैपिंग जितने भी हैं रिवर वगैरह के बारे में। मैथमेटिक्स के इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया था वो सब है। पॉलिटी के इसमें नोट्स वगैरह सब हैं। तो इस तरह से सारा का सारा मटेरियल पेपर 1 के लिए आपके लिए रहेगा। अगर आपको परचेज करना है तो ये वाले लिंक पे आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसका करंट प्राइस जो है अभी वो 1750 रुपीज़ हमने रखा है, लेकिन आपको 500 रुपीज़ का कूपन कोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ये कूपन कोड इस पे जो है अप्लाई करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये मात्र आपको 1250 रुपये में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें सारे के सारे PDF जो हमारे हैं बता देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये अभी PDF ये वाले अवेलेबल हैं। बाकी नोट्स वगैरह सब इसमें है, मेंशन है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं इस लिंक पे। कूपन कोड आपका रहेगा CAPF2019 और ऊपर वाले उसका टेस्ट सीरीज के लिए कूपन रहेगा स्टडी फंडा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।